पहला सवाल राहुल कश्यप का है, वो अपनी माता जी के लिए सवाल पूछ रहे हैं। उनकी मम्मी को घबराहट होती है, सिर दर्द होने लगता है उसके बाद, तो ये घबराहट और सिर दर्द का जो की जो परेशानी है वो आप दूर कर दें। तो देखो राहुल जी से लेकर के जिनको भी घबराहट होती है ना और सिर दर्द के लिए तो बादाम रोकर नाक में डाले और मेधावती ले। राहुल कश्यप की माता जी को है स्वामी जी, अर्जुन की छाल दालचीनी की चाय पिया करें। हाँ, राहुल कश्यप की माता जी को ही मैं कह रहा हूँ, उनसे लेकर के किसी को भी सिर में दर्द है, घबराहट है, चक्कर आते हैं, तो सिर के दर्द के लिए और चक्कर आते हैं, वर्टिगो की प्रॉब्लम है, माथा घूमता रहता है, मन दिमाग में बेचैनी रहती है, तो मेधावटी और बादाम रोगन, और हार्ट के लिए हृदय अमृत, अर्जुनारिष्टि या अर्जुन की छाल दालचीनी, इसको उबाल करके ले लें, पॉइंट दबा लें। तो राहुल जी की माता जी से लेकर के जिन भी भाई बहनों को ये समस्या, ये एक प्रश्न पूछता है वो लाखों करोड़ों लोगों की समस्या होती है। हाँ, ये खाली हम केवल एक व्यक्ति केंद्रित हम बात नहीं करते हैं, ये तो एक रोग से 5, 10, 25, 50 करोड़ तक लोग पीड़ित होते हैं। जैसे पेट की बीमारी, उससे हर दूसरा आदमी पीड़ित, आधी से ज्यादा आबादी, उस सबको हमने समाहित किया। आज अगला प्रश्न आप ले लीजिए स्वामी जी। राहुल के बाद अब अगला सवाल राजकुमार यादव का है। वो रोज सुबह योग करते हैं, फिर भी इनका शुगर बढ़ रहा है और याददाश्त कमजोर हो रही है, तो स्वामी जी इन्हें क्या करना चाहिए, उपाय आपसे जानना चाह रहे हैं। याददाश्त कमजोर के लिए तो मेधावटी और मेमोरी घीट जबरदस्त है, मेधापात भी है, गाय का घी भी है, ब्राह्मी घृत भी है। रही बात डायबिटीज की, तो डायबिटीज में थोड़ा क्या मात्रा बढ़ा दे, मंडूक आसन योग मुद्रासन के साथ कपाल भाति की, पवन मुक्तासन के साथ कपाल भाति की मात्रा बढ़ा दे, और सुबह दोपहर शाम 3 बार मधुग्रीटी ले लें। मधुनाशिनी मधुग्रीट में भी मधुग्रीट का रिजल्ट जबरदस्त है, तो उठते ही 1-2 गोली मधुग्रीट की खा लें, और फिर सुबह दोपहर शाम 3 बार, और 2 बार तो कम से कम खीरा करेला टमाटर आंवला एलोवेरा गिलोय के जूस के साथ ले लें, और ये पॉइंट भी जरा दबा लें। तो मधुनाशिनी मधुग्रीट में मधुग्रीट ज्यादा प्रभावशाली है, और लिवोग्रीट लिवामृत में, ये लिवोग्रीट और लिवोग्रीट में भी लिवोग्रीट वाइटल ज्यादा जबरदस्त है। तो ऐसे जिनको एक औषधि से लाभ नहीं हो रहा, तो उसके लिए दूसरी औषधि का, जैसे किसी को कोलाइटिस में किसी भी औषधि से लाभ नहीं हो रहा, तो ये कोलोग्रीट सुबह दोपहर शाम और सुबह उठते ही खा सकते हैं, ऐसे ले लिया करें। अगला प्रश्न आप ले लीजिए, तो यादव साहब ठीक हो जाएंगे और भी ठीक हो जाएंगे। जिनको भी शुगर बढ़ा हुआ है उसकी औषधि की मात्रा, योग की मात्रा बढ़ा ले। स्वामी जी अगला सवाल 22 साल की वर्षा कुर्द का है। वो कह रही कि थोड़ा सा पानी पीने के बाद मुझे बार बार यूरिन जाना पड़ता है, तो ये कोई दिक्कत है स्वामी जी, और अगर दिक्कत है तो इलाज बता दें आप। हाँ हाँ, ये दिक्कत होती है। एक माता अभी आई थी मेरे पास भिवानी से, बोलो बाबा जी मेरा तो डायपर लगा ही रहता था 24 घंटे, और 1 गोली आपने बताई तो जो है वर्षा जी की तरह किसी को भी ये दिक्कत है ना बार बार यूरिन आने की, सबके लिए बता रहा हूं, विष तिंदुक वटी 1-1 या 2-2 गोली ले ले पूरी तरह से। जो ज्यादा पेशाब आता है ना, एक तो बहन मेरे से बोली, उस जो है बोली स्वामी जी मेरे तो मतलब 10-15 मिनट के बाद यूरिन आता है। मैंने कहा कब से? बोले बचपन से। मैंने कहा ब्याह में क्या किया था? बोले स्वामी जी ब्याह में तो मैं डायपर लगा के बैठी थी। अब ये छोटी बच्चियों को ही दिक्कत हो जाती है। तो चंद्र प्रभावटी गोक्षुरादी, तो पूरे हमारे जिसको लोक भाषा में मसाना बोलते हैं, पूरा एक्सक्रिटरी सिस्टम को, पूरे हमारे ये इसको मूत्र संस्थान को मजबूत बना देता है, और ये विष तिंदुक वटी इसके लिए रामबाण अप्रतिम है। पुरुषों को बार बार पेशाब आता है, प्रोस्टेट के कारण से आता है, वो प्रोस्टोग्रिट खाया करें। तो दोनों का समाधान बता दिया, और सप्ताह में 1 बार गोखरू का पानी या 1 बार जो के आटे की रोटी या कुल्थ की दाल सबको ले लेनी चाहिए, इससे फिर कभी भी यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी ही नहीं मेरे भाई।